मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं हूँ अपूर्वा और मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पेल वर्क, मैजिक क्राफ्ट के बारे में। अगर आप लोग भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेक्निक के बारे में। आज की हमारी जो टेक्निक है या रिचुअल है, बेसिकली ये 9 days रिचुअल है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। हम इसमें डिवाइन कोड का यूज करने वाले हैं, डिवाइन कोड जिससे कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आपका सवाल है हम इसे किस किस विश के लिए यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़ लव रिलेशनशिप, मनी मैनिफेस्टेशन, जॉब मैनिफेस्टेशन, गुड मार्क्स मैनिफेस्टेशन, या कोई भी ऐसी चीज़ है, एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ विश जो आप चाहते हैं, आप इस टेक्निक से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही पावरफुल 9 days रिचुअल है। अगर पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर तरीके से आप इसे करेंगे, ट्रस्ट मी 9 days से पहले ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। बट हाँ, अगर ऐसी कोई विश है, सपोज आपका एग्जाम ही 2-3 महीने बाद है, तो ऑब्वियसली इन दैट सिनेरियो इट वॉन्ट वर्क इन दैट वे। बट ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, आप डेफिनेटली ट्राई करके ज़रूर देखें, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, आपका पूरा का पूरा फोकस, सारी की सारी एनर्जी आपने इस पे ही लगानी है जब आप ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे, तो आपका सारा फोकस होना ज़रूरी है। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर टेक्निक, आई रियली सजेस्ट यू मेडिटेट, ब्रेथ वर्क। 4-7-8 टेक्निक आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कर लीजिए जिससे आपका जो माइंड है वो बिल्कुल 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 काम हो जाए। अब सवाल कि ये रिचुअल कब करना है, ये रिचुअल आपने सोने से पहले ही करना है, दिन में आप नहीं कर सकते हैं। आप जब भी सोने जाएंगे आपने इस टेक्निक को करना है। बेसिकली आप इसे पिलो टेक्निक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ी सी ये डिफरेंट है, ठीक है। बट हाँ, आपने इसको नाइट में ही करना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, पेपर लेना है, पेन लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो विश है वो और जल्दी मैनिफेस्ट होकर आए, यूज़ रेड कलर पेन, ठीक है। रेड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रेड कलर नहीं है या फिर आप चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ हो, तो आप नॉर्मल ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, एडिशनली यू कैन बाय रेड कलर पेन, आप रेड कलर का पेन बाय कर सकते हैं, इजीली मिल जाता है मार्केट में। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करना चाहते हैं या फिर आप लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सिंपली ब्लू के साथ भी काम कर सकती हैं। आपने अपनी विश को एज अ पैराग्राफ टेक्निक में लिखना है। पैराग्राफ यानी कि क्या, सपोज करें आपकी विश है कि आप अट्रैक्टिव हो गए हैं, सपोज करते हैं, थोड़ा यूनिक इस वीडियो में ले लेते हैं, मैं हर बार जॉब या एजुकेशन ही बोलती रहती हूँ। सपोज करें कि आप अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या लिखना है, हे यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, यू नो व्हाट, मैं बहुत अट्रैक्टिव हो गया हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लोग मेरे पिक्चर्स पे कॉमेंट करते हैं कि आप बहुत अमेजिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, समथिंग, ऐसा कुछ भी आप अपना अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड इसे कर रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरा और मेरे पार्टनर का जो रिलेशनशिप है बहुत अमेजिंग हो चुका है, वो मुझे बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, या फिर जो भी आप चाहते हैं अपनी विश, जो भी है, आप उसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत इमेजिनरी स्टोरीज भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, 9 times थैंक यू 1176, थैंक यू 1176, थैंक यू 1176, ये आपने पैराग्राफ लिख लिया है। और उसके बाद थैंक यू 1176, थैंक यू 1176, ऐसे आपने 9 बार लिखना है लाइन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे, पैराग्राफ टेक्निक प्लस थैंक यू 1176, जब आप लिख रहे होंगे, आपने पूरा फील करके, विजुलाइज करके अपने सारे इमोशंस को उसमें डाल देना है। जब आप थैंक यू 1176 लिख रहे होंगे यूनिवर्स को, यू हैव टू फील दैट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम इनसाइड, लाइक येस इट इज़ डन, थैंक यू सो मच, लाइक येस इट इज़ डन, थैंक यू सो मच, इन दैट वे यू हैव टू राइट इट डाउन। इस तरीके से आपने इसे लिखना है, पूरे फीलिंग्स, पूरे इमोशंस को पूरा निकाल देना है, और ऐसे फील करें कि आपका ये काम हो चुका है एंड आप यूनिवर्स को थैंक यू लिख रहे हैं। 9 बार थैंक यू 1176 लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो 3rd थैंक यू 1176 है उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद जो 6th थैंक यू है उस पर अंडरलाइन करना है। एंड उसके बाद जो 9th थैंक यू है, लास्ट वाला, उस पर अंडरलाइन करना है। एंड अंडरलाइन करते करते यू हैव टू फील लाइक थैंक यू। इसमें सारा खेल इमोशंस का है, इमोशंस ही सब कुछ है यहाँ पे। पूरा फोकस आपने करना है, अपनी विश को विजुलाइज करें एंड ऐसे फील करें कि वो चीज़ हो चुकी है। दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इन हियर। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने उस चिट को 3 बार अपनी तरफ फोल्ड करना है। सपोज ये वो पेपर है एग्जाम्पल के तौर पर, पहले अपनी तरफ 1 fold राइट घुमाना है, अपने राइट, दिस इज माई राइट
तो इसे अपने राइट घुमाऊंगी मैं. घुमाया एंड देन अगेन फोल्ड, सेकेंड फोल्ड हो गया है, देन अगेन राइट. यानी कि हम क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं राइट साइड. जब हमें कोई चीज़ बैनिश या निकालनी होती है तो हम एंटी क्लॉकवाइज काम करते हैं. ठीक है, फिर वापस से हम लोग इसे फोल्ड कर लेंगे. हमारी चिट रेडी है. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको अपने पिलो में अंदर डाल दो. काफ़ी ऐसे पिलोज होते हैं, चेन वाले पिलोज होते हैं, तो उसमें आप इसको रख दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट नाइट आपने फिर से सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है. ठीक है, आप इसे 999 पिलो टेक्निक भी बोल सकते हैं. ऐसे आपने इसको पिलो में रखे रहने देना है. एंड बेटर होगा आप ऐसे पिलो के साथ सोए जिसमें आप इसे इजीली हाइड कर दें. ठीक है, किसी को दिखना नहीं चाहिए. एंड आपका जो स्पेसिफिक पिलो है उसमें ही आपने इसे रखे रहने देना है. अब नेक्स्ट नाइट आएगी, आपने फिर से सेम प्रोसीजर करना है. लिखना है नए पेपर पे, थैंक यू लिखना है, फील करना है, ऐसे चिट बनानी है. सेकेंड चिट को भी आपने उसमें डाल देना है अपने पिलो में. सेम चीज़ आपने थर्ड डे करनी है, फोर्थ डे करनी है, 5, 6, 7, 8, 9 डेज. अब जो 10th नाइट होगी आपकी, आपने क्या करना है, इन सब चिट्स को निकाल के किसी एनवेलप में डाल के या फिर अपने आप से कहीं दूर कर दीजिए, अलमीरा में रख दीजिए या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ये आपको दिखे ना. ठीक है, कहीं पे ऐसे रख दीजिए इसको, अपने किसी बॉक्स में या कुछ भी, एनीवेयर, बट ये आपको दिखना नहीं चाहिए, इसे आपने रख देना है. एंड रखने के बाद अपने आपको रिसीविंग मोड में रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि ये जो टेक्निक मैंने करी है ये डेफिनेटली काम कर रही है. बट डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है. ठीक है, इसके बाद जब आपकी विश पूरी हो जाएगी तब क्या करना है, ऑब्वियसली यू हैव 9 चिट्स आपके पास हो जाएंगी. इसके बाद क्या करना है इनका, जब आपकी विश हो जाएगी आप इसे बर्न करके इसकी एशेस को ऐसे ब्लो कर दीजिए, उड़ा दीजिए छत पे जाके, एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए. बट बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, अपने आपको रिसीविंग मोड में रखना है. ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनिफेस्टेशन में. बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, जस्ट फील एज इफ ये हो चुका है एंड थैंक यू बोलते रहे यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच, मेरा ये काम हो चुका है. ठीक है, लेटिंग गो डजेंट मीन कि आप बिल्कुल उस विश को खत्म भूल जाएं, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि आपकी विश है, आप कैसे भूल सकते हो. सपोज कोई चीज़ आपको बहुत दिल से चाहिए एंड हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट इट, यू कांट डू दैट. लेटिंग गो का मतलब ये है, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर जो भी इनसिक्योरिटीज हैं उन सब पे काम करना, उन सबको दूर फेंक देना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देना एंड ट्रस्ट करना, एंड दिस इज द थिंग. एंड ऑब्वियसली अगर आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके विश से रिलेटेड, तो बिल्कुल उन पे एक्शंस लें. मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे घर बैठे कुछ कुछ केसेस में हो जाती है. ऑब्वियसली आपको कुछ केसेस में एक्शंस लेने पड़ते हैं, एंड इवन मैक्सिमम केसेस में यू हैव टू टेक एक्शंस. ठीक है, सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.